अगर आप और करें कि मैंने ये के अंदर size, uh, से लेके ना, है इसका, ना? तो आपने क्या करना है आपकी जो की uh, फील्ड है ठीक है ना फंक्शन क्या करता है कि ये की फील्ड को लेगा उसका मॉड टेन लेगा ठीक है ना uh, यहाँ पे मॉड एन प्लस वन लिखा हुआ है अच्छा, जो hash का, जो आपकी ए so, से साइज एलेवन है या फिफ्टीन है तो आपका मॉड भी फिफ्टीन से आपने लेना है सो so, uh, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बट यूज नॉट अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें हैश फंक्शन बनाने को कहा जाए लेकिन इफ़ डज फंक्शन इस पर्टिकुलर एरे में आपके पास चूँकि साइज 10 है तो साइज 10 में हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारा हैश फंक्शन में मॉड 10 हम ले रहे हैं ओके okay, नाउ हमने करना क्या है कि हमें हैश फन को की फीज पास करनी है फॉर एग्जाम्पल हमने थ्री पास की थ्री uh, का मोट 10 लेते हैं तो रिमाइंडर उसका जीरो आता है जीरो पड़ा ठीक है आपका इंडेक्स प्वेशन ये माइक प्लीज बंद कर लीजिएगा माइक ऑफ कर लीजिएगा ओके, नाउ, सो आपके पास जो हैश फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे कि अब फॉर जब थ्री नाइन फाइव थ्री वन टू देखो नाइन फाइव थ्री वन टू का अगर मॉड टेन ले तो रिमांडर टू आता है दस वाई इंडेक्स टू पर पड़ा हुआ डाटा फोर फाइव एट सेवन सिक्स को मॉड टेन लेते हैं तो रिमाइंडर सिक्स आ रहा है दैट्स वाई सिक्स ठीक है सो द की एस्पेक्ट हियर इज कि आपने अगर हैश फंक्शन यूज़ करना है डाटा एक्सेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हैश फंक्शन यूज़ किया हुआ डाटा स्टोरेज के लिए सो अगर आपने डाटा रैंडमली रखा है लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हैश फंक्शन डाटा रिट्रीव हो जाएगा दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन so this is something that we have to employ when we're storing data as well ठीक है secondly you will notice problems when we reach say for example this value right here six four six three six अब six four six three six जो है इसका भी index position six आना चाहिए और index position six आपका पहले से वहाँ पे data पड़ा हुआ है this is known as a collision ठीक है इसको collision कहते हैं अब ये आपकी जो uh, uh, best policy का collision नहीं है this is a separate collision

ठीक है, so for example, अगर 6, 4, 6, 3, 6 हमें मिल जाता, 6, 4, 6, 3, 6 के index value 6 थी, जो कि पहले से हो गया। so हम क्या करते हैं उसको index 7 पे रख देते, अच्छा फिर जब आपके पास 2, 3, 4, 6, आएगा, तो क्या करेंगे उसकी तो इंडेक्स वैल्यू सेवन बननी चाहिए सो so वहां उसको हम एट पे ले जाएंगे और एनी प्लेस दैट गोज फॉर एट उसको 9 पे ले जाएंगे और अगर आपके पास एट की एक और आ जाएगी तो उसको फिर नाइन क्या कहते हैं आगे ले जाएंगे नाउ लेट्स जस्ट से कि मैं स्टोरेज करने के चक्कर में आऊँ और यहाँ पे भी खाली नहीं है यहाँ पे भी खाली नहीं है यहाँ पे भी खाली नहीं है दैट मीन्स वी हैव टू मूव टू द स्टार्टिंग पोजिशन लुक फॉर स्पेस देयर सो लेट्स जस्ट से कि मैंने ये जगह भी यूज कर ली ये भी यूज कर ली ये भी यूज कर, कर ली और आप ढूंढना चाह रहे हैं एक पोजिशन एंड देर इज सम फ्री स्पेस हियर इन द बिगिनिंग समवेयर तो आप रैप अराउंड करके शुरू से ढूंढना सर्च कर देंगे ठीक है अच्छा हमें यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा जो कि अगर आपके पास एरे में जगह है ही नहीं तो हम वी डोंट बॉर्डर अबाउट स्टोरिंग द डाटा ठीक है सो इसलिए जो है ना हम इसका ख्याल रखेंगे कि आपने डाटा यू हैव टू चेक क्या जगह है अभी कि नहीं अगर है तो फिर आप ये हैश फंक्शन कैलकुलेट भी करें उसकी जगह ढूंढने की कोशिश भी करें लेकिन अगर जगह ही नहीं है देन यू डोंट अबाउट इट ठीक है अच्छा सो नाउ लेट्स जस्ट अच्छा अब ये अगर आपने फॉर एग्जांपल इंसर्शन के लिए किया था तो ढूंढने के लिए भी यही करोगे ऑब्वियसली जो मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ डायरेक्ट एक्सेस का तो ये मतलब है ना कि मैं जो वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो खुद बताएगी कि कहाँ पड़ी होनी चाहिए सो इफ़ आई वुड से फॉर एग्जाम्पल लुकिंग फॉर सिक्स फोर सिक्स थ्री सिक्स सिक्स फोर सिक्स थ्री सिक्स मैं ढूंढना चाहूंगा तो मुझे हैश फंक्शन बताएगा किस ओके वहाँ पे तो सिक्स फोर सिक्स थ्री सिक्स नहीं है उसकी अगली पोजिशन आप फिर वहां से आगे ढूंढना शुरू करते थे टेल यू फाइंड इट एंड इफ यू है ना दर इज ऑल्सो फॉर नॉट एग्जिस्ट वो हमें कैसे पता चलेगा इट वेल ऑब्वियसली इफ आई स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम इंडेक्सर यानी वो है तो so, so, अगर ढूंढता शुरू करूं यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे, पे भी नहीं है और यहाँ पे कोई और वाली फाइव वाली वैल्यू पड़ी अगर तो ये है ही खाली ना ऑल ऑलटुगेदर दैट मीन्स वो होगा ही नहीं फाइव की वैल्यू होगी ही नहीं ठीक है लेकिन अगर फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे फाइव वाली कोई वैल्यू थी लेकिन उसके आगे ये सारी खाली नहीं है और आप ढूंढते ढूंढते वापस अपनी स्टार्टिंग पोजिशन पे आ गए हैं दैट मीन्स के यू यू मे नॉट फाइंड इट एट ऑल ठीक है ना सो so, इसलिए जो है ना हमने इसका हिसाब किताब रखना है कि एफ आई स्टार्ट सर्चिंग एंड फॉर अ वैल्यू एंड आई स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजिशन एंड ढूंढते ढूंढते जगह पर आ जाए लेकिन वैल्यू मिले ना देट मीनस के यू मे नॉट फाइंड है ना ऑन दर हैंड अगर मैं एंटर करने की कोशिश करूँ डाटा तो पहले अगेन मुझे यहाँ पे भी चेक करना चाहिए एंटर करने की जगह भी है कि नहीं तो अगर है जगह उस हिसाब से आप जगह ढूंढेंगे नाउ लेस वर्क आउट हाउ

ठीक है एंड देन हैश फंक्शन बनाना हैश टेबल क्रिएट करना उसके बाद रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द डाटा हम क्या करेंगे लेट्स जस्ट से कि हमारे पास जो ऐड करना है ऐड करना है एक वैल्यू ए न्यू रिकॉर्ड ऐड न्यू रिकॉर्ड टू हैश टेबल ये हो जाएगा वी विल आल्सो हैव टू ऐड uh you we have to find a record in the hash table okay and that's it na? add karna or find karna. Iske aur koi bada nahi. Hai? okay so this is this should be fairly easy ye, this is what i think we should do we should create a r record type array okay instead of a simple string or integer type array because my i have questions cards you can just have single इंटीजर टाइप की एरे बना रहे हैं लेकिन इस दफा हम क्या करेंगे कि हम टाइप की एरे बनाएंगे रेकॉर्ड टाइप की एरे बनाएंगे ठीक है अच्छा सो so, टाइप क्या रखते हैं उसका टाइप स्टूडेंट्स रखते हैं और स्टूडेंट्स की हमने एरे बनानी है इसके अंदर क्या क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट आई डी बी ऑफ इंटीजर टाइप ठीक है ना जैसे कि हमने यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं हम इसको हम यूज करेंगे ठीक है ना उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट uh, हम कर देते हैं जीपीए ठीक है ना जीपीए टाइप पी कॉल इट रियल ठीक है ये हमारे पास दो हैं। और यहाँ पे आ जाएगा एंड टाइप ओके जी आईडी और जीपीए दो सेपरेट टाइप ऑफ फील्ड्स ओके जी अब हमने करना क्या है, एक, एक हैश टेबल बनाना है आई मेन मेक एक क्लास एक एरे बनाना है बेसिकली उसका साइज रख लेते हैं साइज रख लेते हैं फिफ्टीन चलो ठीक है जीरो से लेके फोर्टीन तक ठीक है सो वो कहना डिक्लेयर एन एरे कॉल्ड क्लास ठीक है और इसका साइज रखेंगे जीरो से लेके फोर्टीन तक साइज फिफ्टीन हो गया ठीक है और इसमें हमने क्या करना है ऑफ टाइप स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है अच्छा जी एंड and...

अच्छा जी अब यहाँ पे एक सजेशन आप लोगों से मुझे चाहिए अब हमने ये बिल्कुल ब्लैंक कैरियर बनानी है ठीक है सो सजेस्ट अ वे टू डिटेक्ट एन एम टी इंडेक्सन जी

तो मुझे पता कैसे किसी जगह जगह खाली है करके हाँ? करके हम ID में कोई नल वैल्यू डाल देते हैं ठीक है सो हम ये यह यहाँ पे कर सकते हैं डिक्लेयर सॉरी हमें लूप लगाते हैं फॉर एक्स वन सॉरी जीरो टू फोर्टीन हम क्या करते हैं क्लास इंडेक्स एक्स डॉट आई के अंदर हम रख देते हैं माइनस वन ठीक है सो दैट मींस दैट इज ब्लैंक और बाद में हम उसकी जीपीए uh, वाली फील्ड में जीरो पॉइंट जीरो डाल देते हैं जीरो पॉइंट जीरो ठीक है like यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ओके जी एंड आई थिंक हाँ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें फ्री स्पेसिस का ताकि वी वी कैन कीप ट्रैक ऑफ़ हाउ फ्री हैव ग्लोबल वेरिएबल कोर्स और इसको हम क्या करेंगे फ्री को साइन कर देंगे ऐड okay, हाँ करना है ठीक है सो प्रोसीजर का नाम क्या है हमने रखना एड टू एड टू टेबल और इसके अंदर मुझे एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी ठीक है ना अब वैल्यू मुझे दो पास करनी पड़ेगी एक हमारे पास होगा आई डी या उसको कह देते न्यू आई डी ऑफ टाइप इंटीजर और हम इसका न्यू जी पी एफ टाइप रियल ठीक है लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ वो तो हमने हैश फंक्शन तो बनाया नहीं हैश फंक्शन चाहिए होगा सो लेट्स क्रिएट हैश फंक्शन फर्स्ट ठीक है यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन हैश ठीक है और इसके अंदर एक की फील्ड जाएगी टाइप और इसके अंदर हमने क्या ना किया है एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं डिक्लेयर हैश ऑफ टाइप इंटीजर और इसमें हम क्या करेंगे असाइन कर देंगे की ठीक ठीक है, Because our size of array is 15, है, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे ओके well. okay, पे हमारे पास एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं हम बाद बताएंगे पहले मैं फर्स्ट चेक कर लेता हूँ पहले चलो बना लेते हैं डिक्लेयर इंडेक्स of uh, type integer yo or uske uh, declare 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 i think that's fine okay. okay now what we can do here is straight away first check do we have free spaces so if free is greater than zero that means i have some free space उसके बाद में क्या करूंगा अब इंडेक्स पोजिशन जहां पे वैल्यू स्टोर करनी है वो कैलकुलेट करते हैं तो हैश को पास करेंगे अपने न्यू आई और उसके अगेंस्ट एक हैश वैल्यू जनरेट होगी जो हम इंडेक्स में स्टोर करा देंगे ठीक है और उसके बाद हम क्या देखेंगे एक वैल्यू लगाते हैं वायल uh, क्या था न? मेरा टेबल का नाम क्या था मेरे टेबल का नाम था क्लास ठीक है ना वायल क्लास की इंडेक्स पोजिशन एक्स इंडेक्स Free space है, तो कही ना कही उसमें एक जगह होगी जहाँ पे माइनस वन होगा ठीक है सो इन दैट केस हमने क्या करना है अगर ये ट्रू नहीं है इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस एंड इफ से फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू रैप अराउंड में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ आपने रैप अराउंड करनी सुरते पर तो हम इंडेक्स को साइन कर देंगे हमारे ये चल हीता बै जो खाली जगह थी ठीक है तो उस खाली जगह पे जाके हम क्लास की इंडेक्स पोजिशन पे जो आई वाली वाली फील्ड है उसके अंदर स्टोर कर देंगे न्यू आई और क्लास उसी क्लास की उसी इंडेक्स पिक्चर में सॉरी जो हमारी जी वाली फील्ड है उसके अंदर स्टोर कर देंगे न्यू जी ठीक है और हम फ्री को भी डिक्रीमेंट कर देंगे फ्री माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एल्स uh, लगा देते हैं और एल्स में हम लिख देंगे आउटपुट नो मोर space okay get happy and if and procedure okay and that's it okay is this clear everyone is my confusion to feel free to ask could you go over really quick from the top? जी just, just skim, could you just skim through it to the top? I'm sorry मुझे समझ नहीं आई मैं कह रहा हूँ could you just skim through it to the top एक दफा just अच्छा वैसे रिकॉर्ड हो रहा है ये लेकिन चलें अब बाद में देख लेना अच्छा एनी वे जल्द से गो थ्रू कर लेते हैं हमने रिकॉर्ड टाइप बनाया हमने एरे बनाई ऑफ टाइप दैट रिकॉर्ड हमने सारे रिकॉर्ड्स को ब्लैंक कर दिया बाय स्टोरिंग इन ऑल आईडीज हमने एक फ्री काउंटर बनाया है जो hash, uh, और फ्री को मैंने उसके बाद मैं क्या करूँगा प्रोसीजर ऐड टू टेबल के अंदर लूंगा आई डी और जी पी ए और एक लोकल वेरिएबल इंडेक्स है जो कि जिस जगह पे डाटा ने स्टोर होना है उस इंडेक्स वैल्यू को हाईलाइट करेगा अगर मेरे पास फ्री स्पेसिस है तो मैं हैश को न्यू आई डी पास करूंगा मुझे बताएगा ये डाटा इंडेक्स में जाना चाहिए सो अगर वो पोजिशन खाली नहीं है है यानी कि नॉट इक्वल टू नल हैल हैीन्स के क्ल्यूजन ऑकर हुआ है मुझे आगे जाना है मैं इंडेक्स को इंक्रीमेंट करूंगा अगर आगे जाने के चक्कर में मैं अपनी आखिरी इंडेक्स से बाहर चला जाऊँ 14 से ज्यादा इंडेक्स प्लेस प्ले रैप अराउंड करना है हमने तो इंडेक्स को जीरो कर दें एंड यू की पोजिशन जहाँ पे नल है और ये मिलेगा लाजमन आपको बिकॉज हम आए इस कंडीशन को थ्रू करके यहाँ पे आए हैं तो अगर जगह थी ही नहीं तो आप, आपने यहाँ से बाहर वैसी पे आ जाना था ठीक है फाइनली वैन वी फाइंड देट प्लेस यूलिट द लू बिकॉज वहाँ पे नल होगा और उस जगह पे आपने आई डी की जगह पे न्यू आई डी रख दिया जी पी ए की जगह न्यू जी पी ए रख दिया और फ्री को डिक्रीमेंट कर दिया that's it. अगर ये कंडीशन पहले ही फॉल्स थी तो हम आउटपुट कर देंगे नॉर्मल नॉर्मल स्पेस और प्रोसीजर से बाहर आ जाएंगे